बरेली में सफाई कर्मी को नाले से कूड़ा निकालने के दौरान नवजात का शव मिला, जिससे वहां हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर किला पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। किला के मलुकपुर स्थित विनायक अस्पताल के पास में मंगलवार को लक्ष्मी नाम का सफाई कर्मचारी सफाई कर रहा था। जैसे ही उसने फावड़े से कूड़ा निकाला तो कूड़े के साथ साथ नवजात का शव भी निकल आया। नवजात के शव निकलने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहां आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची किला पुलिस ने नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जिस जगह शव मिला वह घनी आबादी वाला क्षेत्र है। शव को किसने फेंका यह पता नहीं चल पाया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही है, शायद उसी से कुछ सुराग लग सके। जनपद में आए दिन नवजातों के शव मिलने की खबरें सामने आती हैं। संबंधित विभाग के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी महज जांच की बात कहकर मामले से पल्ला झाड़ लेते हैं और जांच फाइल कार्यालय में धूल फांकती रहती है। इसका नतीजा यह होता है कि प्राइवेट अस्पताल संचालक बेफिक्र होकर अपने कामों को अंजाम देते हैं। हॉस्पिटल के बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए जाते हैं, यहाँ लिंग परीक्षण यानी लिंग जांच नहीं की जाती है। लिंग जांच कराना दंडनीय अपराध है, लेकिन थोड़े से मुनाफे के चक्कर में डॉक्टर अपने पद की गरिमा को भूलकर भगवान से हैवान बन जाते हैं और फिर किसी मासूम की सांसों को हमेशा के लिए थाम दिया जाता है और उस बेजान शरीर को कूड़े के ढेर या किसी नाले में फेंक दिया जाता है। दुनिया में चाहे इस अपराध की सजा उसको ना मिले, लेकिन भगवान कहे जाने वाले इन डुप्लीकेट भगवानों को उस भगवान के दरबार में सजा अवश्य मिलेगी। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नाम है मेरा। क्या है आपका? बस मेरे नाले का काम है, मैं 6:30 बजे नाला निकालता हूँ। हाँ, तो उसमें ये बच्चा निकला, मैंने ये लोगों को दिखाया। ये कहाँ का मामला? जी यहाँ का है, सामने का। नहीं, कौन सा इलाका? ये मलुकपुर से चमन मंडिया से आगे। कितना टाइम निकाला था आपने? मैं 6:30 बजे निकाला, तो जो बच्चा उसमें निकला मैंने ये लोगों को दिखाया। मैं क्या लगता है कहाँ से आया होगा? क्या पता कहाँ से आया हो, ये तो नहीं मालूम मुझे। सूचना मैंने ये लोगों को बताया। हाँ, अपने जमादार को बताया मैंने। बच्चा चौकी भी गए, चौकी में कोई मिला नहीं था। यही बोलना ना जी। क्या नाम है? शकील खान। शकील जी, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हो, आपको कैसे पता चला इस समय का मामला है? ये सुबह दूध लेने आए हमारे घर में से निकल के। डॉक्टर दुकान सुबह खुल जाती है तो इन्हीं के से दूध लेती, तो उन्होंने जाकर वो कचरा निकाला था लड़का, तो उसने देखा। देखने के बाद में तो उसने खबर दी, वो जा रहा था छोड़ के पंकज भैया को बुलाने के लिए, जो देखे वह जो है ठेकेदार। तो उसके बाद में जो पता चला कि ये बच्चे के छोटा सा बच्चा पड़ा हुआ है इसमें, और वो जो है उसके बाद कचरा छोड़ के चला गया वो। और पंकज भैया बोला, पंकज भैया अभी आ रहे हैं। ये तो नाला तो बहुत दूर तक से आ रहा है, क्या मालूम यहीं आके कचरा अटक जाता है। सब नीचे पाइप है, 2-3 गली में जा रहा है जो पाइप, उसकी वजह से कचरा डूब जाता है। जी, क्या नाम है आपका? पंकज राय। पंकज जी, ये जो आज नवजात शिशु की लाश मिली है, कहाँ का मामला है? क्या ये आपके दादा मियां चोलमठिया से आगे पढ़ोगे आप? दादा मियां यहाँ से आ गए। हमारा सराय सरपंच डेली काम करते हैं सुबह में, लमसम ऐसे 6:30-7 के बीच में। तो उन्होंने जब नाला सफाई कर रहे थे, उनके पौड़े में एक नवजात शिशु पाया गया। जब देखा गया नवजात शिशु को, तो लोगों को बताया भी गया हमने, तो फिर चौकी भी गए, चौकी में कोई थे नहीं। इस कारण जो बच्चा अभी तो ऐसी मतलब है। कितने महीने का होगा लगता है? लगभग अभी 4-5 महीने का। क्या लग रहा है? क्या लगता है आपको, कहाँ से आया? इसकी जानकारी ज़्यादा मुझे नहीं है। मैं कह रहा हूँ, हाँ नाला बहुत दूर से, नाले में फिर पड़ा हुआ था। और बाइक सफाई कर्मचारी भी आते होंगे, वो आपको बताते हैं क्या है। किस समय निकला है ये? लमसम था 6:30-7 के बीच में। 6:30-7 के बीच जी। अच्छा, ये कौन सा थाना लगता है? किला थाना।